Hello, good evening everyone. Welcome back to my channel Stop, Reflect and Go. I hope you all are fine at your places. 1960 में एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम था डायना बॉमरिन एंड शी हैज़ आइडेंटिफाइड सम वेरी इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ पेरेंटिंग जिसके बेसिस पे उन्होंने 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स दिए थे. डायमेंशंस मतलब आकार प्रकार, और वो क्या डायमेंशंस थे जिसके बेसिस पे उन्होंने 3 पेरेंटिंग स्टाइल दिए थे, वो थे डिसिप्लिनरी स्ट्रैटेजीज, वॉर्मथ एंड नर्चरिंग, योर कम्युनिकेशन स्टाइल, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ग्रोन अप्स एंड कंट्रोल. इसके बेसिस पे उन्होंने 3 पेरेंटिंग स्टाइल्स दिए थे. नंबर 1 अथॉरिटेटिव, अथॉरिटेरियन एंड परमिसिव. उसके बाद कुछ सालों के बाद साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जेकॉबी एंड मार्टिन. उन्होंने 4th स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग दिया था हमें, विच वॉज अनइन्वॉल्व्ड. लेट अस सी कि ये चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स क्या कहते हैं. इट विल हेल्प यू टू फाइंड आउट योर पेरेंटिंग स्टाइल. और ये कहीं पे भी स्टडी नहीं हुई है या ये कोई प्रूवन फैक्ट्स कहीं पे भी नहीं है कि इफ़ यू फॉलो सर्टन पेरेंटिंग स्टाइल और आपको ये आउटपुट मिलेगा. ठीक है, देर हैव बीन सिचुएशंस जहाँ पे पेरेंट्स एक ही पेरेंटिंग स्टाइल देते हैं अपने दोनों बच्चों को, बट दे ग्रो अप डिफरेंटली. नंबर 1 अथॉरिटेरियन स्टाइल. अब अथॉरिटेरियन स्टाइल में क्या है, पेरेंट्स दे हैव ऑल द कंट्रोल इन देयर हैंड्स. ठीक है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, घर पे पनिशमेंट्स होती हैं और बस पेरेंट्स को है कि जो मैंने कह दिया बिकॉज आई से सो आपको करना है. उसके पीछे कोई रीजनिंग नहीं देते हैं पेरेंट. दिस इज़ अथॉरिटेरियन. आई एम द बॉस, पेरेंट इज़ अ बॉस. दिस इज़ फर्स्ट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग. सेकेंड इज़ परमिसिव स्टाइल. परमिसिव स्टाइल क्या है, जहाँ पे घर पे जो भी हो रहा है वो बच्चे की विश से हो रहा है, जो बच्चा चाह रहा है वो ही हो रहा है और पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं उस चीज़ को, क्योंकि पेरेंट्स उस मोड में हैं कि बच्चा कुछ भी करे बट वो मुझे हार्म ना करे, मुझे एंग्री ना होना पड़े, मुझे कोई एफर्ट ना करना पड़े. दैट इज़ परमिसिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग. और इसमें बच्चों के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है, सब कुछ बच्चे के हिसाब से हो रहा है. थर्ड इज़ अथॉरिटेटिव स्टाइल. अथॉरिटेटिव स्टाइल में क्या है, डेमोक्रेसी है. ठीक है, और सेट गाइडलाइंस हैं, बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छा परफॉर्म करें. उसके साथ साथ उनको गाइडलाइंस दी जाती हैं, उनको वार्म्थ एंड यू नो वेरी कॉर्डियल एनवायरनमेंट इज़ गिवन इन दिस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग. नंबर 4 इज़ अनइन्वॉल्व्ड, जहाँ पे पेरेंट्स दे आर अनइन्वॉल्व्ड. उनको कोई मतलब नहीं है, दे आर डिटैच्ड फ्रॉम द किड्स एंड द किड्स गेट निग्लेक्टेड इन दिस काइंड ऑफ पेरेंटिंग. तो पेरेंट्स दे इन चारों में से पेरेंट्स दे मे हैव वन डोमिनेंट स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग विद अदर स्टाइल्स टू कमिंग अप. ठीक है, आप एक आपका डोमिनेंट स्टाइल हो सकता है जिस पे आप दूसरा भी फॉलो कर रहे हैं. तो लेट्स चेक अप. कुछ भी करने से पहले हमें अपना पेरेंटिंग स्टाइल वी शुड नो. एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ डू टेल मी ये वीडियो कैसी लगी. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू कमेंट. आई वुड लव टू हेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स. थैंक यू.